कोरबा जिले के ऐसी सीएलएस सिंघाली कोयला खदान की जहां पर ऊपरी हिस्सा अचानक धस गया और इस घटना के समय मौके पर किसी के मौजूद नहीं होने से कोई जनहानि नहीं हुई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी यहां से 50 मीटर की दूरी पर जमीन धसक गई थी, जिसे लेकर क्षेत्र के निवासियों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा गया है। तब घटना की जांच के लिए एसईसीएल प्रबंधन के अधिकारियों से ग्रामीणों की झूमाझटकी भी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी प्रबंधन इस समस्या के प्रति गंभीर नहीं दिख रहा है। बार बार हो रही ऐसी घटना को लेकर लोगों में डर का माहौल भी बना हुआ है। तो वहीं एसईसीएल प्रबंधन के अनुसार विशेषज्ञों की टीम इस घटना की जाँच कर रही है और उसके बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकेगा। जियोलॉजिकल फॉल्ट के चलते होता है, अंदर में जियोलॉजिकल फॉल्ट रहता है, उसका स्टडी अभी हो रहा है और इंक्वायरी भी चल रहा है। डीजीएमएस के द्वारा उसका इंक्वायरी किया जा रहा है। जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग को रिपोर्ट उसका मिल जाएगा। तो आपको बता दें कि मामला पूरा कोरबा का है, जहाँ पर कोयला खदान का ऊपरी हिस्सा नीचे धसक गया। हालांकि उस जगह पर कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई भी जनहानि नहीं हुई है। और इसी प्रकार जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता शशिकांत दिक्सेना जुड़ गए हैं। शशिकांत, आखिर क्या कुछ वजह है कि बार बार जमीन धसक जाती है? जी, बताना चाहूंगा जी, ये दूसरी घटना है एसईसीएल प्रबंधन की लापरवाही साफ देखी जा रही है। ग्रामीण वहाँ पे खाली जगह होने के कारण कोई वहाँ पे मजदूर नहीं रहता। बता देना चाहूंगा कि कुछ श्रमिक नेताओं से बात हुई है, उन्होंने बताया कि वहाँ पे पानी भराव के चलते जमीन का धसना बताया जा रहा है जी। और विशेषज्ञों की टीम भी इसके लिए गठित की गई थी, जो कि इससे पहले मामला सामने आया था, उस टीम के द्वारा अभी तक किसी तरह की कोई जांच की गई? अगर जांच की गई है तो क्या कुछ सामने आया है? अभी तक किसी प्रकार की जांच की कमेटी जो बनाई गई थी, वो उसने जवाब अभी तलब नहीं किया है और केवल मतलब लोगों को भ्रमित किया जा रहा है एसईसीएल प्रबंधन द्वारा। जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है शशिकांत इस पर? जिम्मेदारों का कहना है कि बस जांच कमेटी बनाई गई है, जांच का रिपोर्ट आपके सामने लाया जाएगा। और अभी तक 10 दिन से ऊपर हो गया, कोई सामने कोई मतलब रिपोर्ट भी नहीं आया जी। वहाँ के जो रहवासी हैं उनमें काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है, उनका क्या कुछ कहना और क्या कुछ मांगे उनके? उनकी मांगे हैं कि मैं आपको बता देना चाहूँ, कुछ दिन पहले विधायक जी वहाँ गए हुए थे, प्रबंधन ना बात सुनते हुए धक्केमुक्की तक हो गई थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है कि ग्रामीणों को जो जिस तरह का ये पहली घटना नहीं है, दूसरी घटना कंटिन्यू इसी तरह का धराशायी होने से लोगों में आक्रोश का माहौल है जी। चलिए शशिकांत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें हैं कोरबा की, जहाँ पर आपने सुना हमारे संवाददाता को, जिसका कहना है कि अभी तक जो टीम गठित की गई थी उसके द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई या फिर कोई जांच नहीं की गई है और वहां के रहवासियों में काफी ज्यादा आक्रोश इसको लेकर देखा जा रहा है और लगातार मांग की जा रही है, क्योंकि अगर कोई भी शख्स वहां पर मौजूद होता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था।